सरस्वती चंद्र। पिछली कड़ी में आपने सुना, कुमुद के जिद करने पर नवीन चंद्र उसे अपनी असलियत बता देता है। कुमुद उससे कहती है कि वो यहां से हमेशा के लिए चला जाए। कुमुद के सुख के लिए सरस्वती चंद्र वहां से चला जाता है। चंद्रकांत और कुमुद के दादा मानचतुर सरस्वती चंद्र को लेकर बात करते हैं। कुमुद को सरस्वती चंद्र के जाने का दुख होता है। वो अलक को अपने और सरस्वती चंद्र के बारे में सब कुछ बता देती है। वो अपने पति और कृष्ण कलिका के रिश्तों के बारे में भी उसे बताती है। जब अलक किशोरी को पता चलता है कि नवीन चंद्र ही सरस्वती चंद्र है तो वो चौंक जाती है। कुमुद घर जाने का कार्यक्रम बनाती है। गुमान और धूर्तलाल में झगड़ा हो जाता है। गुमान को अपनी गलती का एहसास होता है। कृष्ण कलिका और प्रमादधन कुमुद को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। तो आइए सुनते हैं इससे आगे धारावाहिक सरस्वती चंद्र की नौवीं कड़ी में। नवीन चंद्र जी कहां हैं आप? अरे यहां भी नहीं है। सुबह सुबह कहां चले गए? अच्छा, चलकर भैया के कमरे में देखती हूँ। भैया, यहाँ नवीन चंद्र जी तो नहीं आए? उस दुष्ट का मेरे कमरे में क्या काम, जाकर कहीं और देख। भैया, किसी सज्जन को दुष्ट कहते हुए शर्म नहीं आती आपको? देख मेरे मुंह नालक, जा यहाँ से, जाकर कुमुद से पूछ, उसे जरूर पता होगा कि नवीन चंद्र कहाँ है। ठीक है, अभी तो जा रही हूँ मैं, आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ भाभी, भाभी नवीन चंद्र जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्या उनके विषय में तुम कुछ जानती हो? हाँ अलक, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है। तो बताओ ना, कहाँ है वो? वो स्वर्ण नगरी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। क्या? हाँ। ये क्या कह रही हो भाभी? अच्छा पुजारी जी, चलता हूँ मैं। नहीं नहीं चंद्र भाई, आपको अमात्य जी ने जाने से पहले एक बार मिलने के लिए बुलाया है। अमात्य जी ने? उनसे तो मैं अनुमति ले चुका हूँ, फिर उन्होंने किस लिए बुलाया है? उन्हें अपने पुत्र प्रमाद धन के विषय में कोई सूचना मिली है जिसका संबंध आपसे भी है, इसीलिए वे आपसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। मेरी ओर से उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेना मूर्ख तत्व। अमात्य जी ने मुझे आपके पास विशेष आग्रह के साथ भेजा है, कहा है कि मैं आपको साथ लेकर ही लौटूं। उनसे कहना कि स्वर्ण नगरी में उनकी मुझ पर विशेष कृपा रही है, उनका आग्रह स्वीकार ना कर पाना मेरे लिए खेद का विषय है। अगर आप चले चलते तो शायद प्रमादधन दंड पाने से बच जाते। पुजारी जी, बुद्धिधन कुशल प्रशासक हैं, उनके लिए दंड देने या ना देने का निर्णय लेना कठिन नहीं है। ठीक है, मैं आपका संदेश अमात्य जी तक पहुंचा दूंगा। पुजारी जी, प्रमादधन से भी कहिएगा कि वो सुधरे और अपने पिता जैसा बने। ये तो उचित नहीं होगा, प्रमादधन बहुत शर्मीला है। अगर अमात्य जी ने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया और प्रमादधन को दंड दिया तो प्रमादधन जहर खाकर अपनी जान भी दे सकता है। पुजारी जी, प्रमादधन को मेरा संदेश दीजिएगा, कहिएगा कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, लीजिए, बैलगाड़ी भी आ रही है। क्यों भाई गाड़ीवान, बैलगाड़ी भद्रेश्वर की ओर जा रही है क्या? नहीं भाई, गाड़ी रत्न नगरी की ओर जा रही है। ये गाड़ी तो भद्रेश्वर नहीं जा रही है, जबकि आपको भद्रेश्वर जाना है। भद्रेश्वर जाए या कहीं भी, मुझे तो कहीं ना कहीं जाना है बस। यहाँ से लगभग 10 कोस दूर मनोहरिया गांव है, वहां से एक रास्ता भद्रेश्वर जाता है, वहां से आप गाड़ी बदल सकते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। अरे इसमें तो एक सज्जन और बैठे हैं। आओ आओ बैठ जाओ, एक से दो भले,
ठीक है भाई, बैठता हूँ। दिए छोड़ माँ बाप तजी, प्यारी गुणमयी नारी, आहत होता हृदय न देखा, लिया संन्यास रे भाई। पिता है तू छोड़ा प्यारी को, मानी न बात तुम्हारी, ध्यान ना दिया आहों पर, लिया संन्यास रे भाई। ओ उदार प्रिय तमासती, तू शुद्ध और निपुणारे, ना यह संबंध टूटेगा, पड़ी है जो उसे सहले। थी लक्ष्मी थे तात, थी प्यारी था भाई, ओ उदार प्रियतमा, न हमसे हो नी टल पाई। पतंगे उड़ रहे हैं जो, आज मेरी हालत है त्यों, दिए छोड़ माँ बाप तजी, प्यारी गुणमयी नारी, आहत होता हृदय न देखा, लिया संन्यास रे भाई, लिया संन्यास रे भाई, लिया संन्यास रे भाई। प्रमाद धन, तुझे अपनी गौ समान पत्नी पर झूठा आरोप लगाते हुए तनिक भी संकोच नहीं हुआ? तेरी जबान कटकर गिर क्यों ना गई? आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे पिताजी? मैं सच कह रहा हूँ, कुमुद का उस अधर्मी नवीन चंद्र के साथ अवैध संबंध। चुप रहे दुष्ट, चुप रहे। पिताजी, मेरे पास अपनी बात को साबित करने का प्रमाण भी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्रमाण? कैसा प्रमाण? अगर प्रमाण झूठा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, ये देखिए, ये पत्र देखिए, ये पत्र कुमुद के विवाह से पहले का है। ऐसे अनेकों पत्र हैं मेरे पास। इस पत्र से स्पष्ट होता है कि उस बहुरूपीय नवीन चंद्र का संबंध कुमुद से था। अलग किशोरी सारी बात मुझे स्पष्ट रूप से बता चुकी है। कुमुद के पिता विद्या चतुर ने उसका संबंध कल के सरस्वती चंद्र और आज के नवीन चंद्र से करना निश्चित किया था, किंतु उन दोनों के बीच ऐसा संबंध कभी नहीं रहा जिसके लिए तू दोनों पर पतित होने का आरोप लगा रहा है। अगर ऐसा है तो सरस्वती चंद्र नवीन चंद्र के छदम नाम से सुवर्ण नगरी क्यों आया, और आया भी तो इस घर में आकर क्यों रहा पिताजी? वो अपनी इच्छा से कब आया इस घर में? फिर ये मत भूलो कि उसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर तेरी बहन अलका किशोरी के प्राण और अस्मत दोनों की रक्षा की है। ये तो उसका षड्यंत्र था पिताजी। क्या? जिससे वो आपका विश्वास पात्र बन सके और कुमुद सुंदरी से उसका प्रेमालाप बेरोक टोक चल सके। बस कर लंपट। कृष्ण कलिका और पद्मा के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप तुझ पर है, तुझ पर। अगर तू अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहता है तो बोल, वरना तेरा शांत रहना ही उचित होगा। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है पिताजी। कुमुद का भेद ना खुल जाए इसलिए उसने मुझे आपकी नजरों से गिराने के लिए ये कुचक्र रचा है। कुचक्र तो तू रच रहा है कुमुद के खिलाफ। जब पिता ही पुत्र के खिलाफ हो जाए तो पुत्र का क्या दोष? तेरे जैसे कपूत से तो निपूत रहना ही अच्छा है। अब तू अपने पिता पर दोष लगा रहा है। मैं क्या करूं पिताजी, क्या करूं मैं? आपको मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? कुमुद ने आपको ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है जो आप उसी के पक्ष में बोल रहे हैं? बस, ज्यादा मत बोल, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। आज से तू मेरा कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। क्या? तुम आ गए सुरसंग। हाँ भाई चंदनदास। क्या समाचार लाए हो? शठ राय से समाचार मिला है कि बुद्धि धन का स्नेहिल नवीन चंद्र नाम का युवक आज ही इस जंगल से गुजरेगा। इसके अतिरिक्त बुद्धि धन की पुत्र वधु कुमुद सुंदरी भी कल इसी मार्ग से होकर निकलेगी। वाह, तब तो बहुत माल हाथ लगेगा। हाँ। हमें हाथ आया ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। हाँ। लूट का धन तुम अपने पास रख लेना, मुझे तो उन दोनों को बंदी बनाना है।
अच्छा, ताकि उन्हें छोड़ने के नाम पर धीरपुर को वापस ले सकूं। तुम्हारे अधिकार से धीरपुर तो शटराय नहीं छीना था ना? हाँ भाई, किंतु राज्य का प्रबंध अब उसके हाथ में नहीं रहा। अच्छा। उसके स्थान पर अब बुद्धिधन स्वर्ण नगरी का अमात्य है। अच्छा। आजकल धीरपुर स्वर्ण नगरी के ही अधीन है। मेरे विचार से सुरसंग, तुम्हें कुमुद पर ही ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उसे बंदी बनाने से वो तुम्हारी मांग तुरंत मान लेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसी बहाने कुमुद के पिता विद्या चतुर से भी काम निकाला जा सकेगा। लेकिन छोड़ूंगा तो नवीन चंद्र को भी नहीं। बस छोड़ना, लेकिन आओ अब हम उधर झाड़ियों के बीच छिप जाए। जैसे ही वो लोग यहां पहुंचेंगे, हम उन्हें घेर लेंगे। चलो भाई, आओ। सरस्वती चंद्र अपनी इच्छा से तमाम सुखों को ठुकरा कर भले ही साधारण लोगों सा जीवन बिताने के लिए घर से निकल गए हों, किंतु मुझे तो सरस्वती चंद्र का कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता। अब पर ऐसा लगता है कि घर छोड़कर रॉबिन्सन क्रूसो जैसा साहस करने का मन उनका पहले से ही था। लेकिन सरस्वती चंद्र के इस कदम को उचित तो नहीं कहा जा सकता ना? मुझे तो लगता है सबके सिर दोष मरने का अवसर पाकर उन्होंने अपने मन की इच्छा पूरी कर ली। लेकिन ये काम विवाह के बाद भी तो हो सकता था ना? जब सरस्वती चंद्र सब कुछ जानबूझकर निकले हैं तो उन्हें दोष कैसे दिया जा सकता है? ऐसा नहीं कहते कुसुम। लेकिन ऐसा चतुर पुरुष कुछ सोचकर ही तो घर से निकला होगा। चुप कर मुंह फट, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती है। माँ, आप भी तो रत्न नगरी में सरस्वती चंद्र को दोषी ठहराती थी। कुसुम, तुम्हारी माँ ने जिसे दोषी ठहराया हो, तुम उसका पक्ष कैसे ले सकती हो? अगर ऐसी बात है तो फिर जिस सरस्वती चंद्र ने मेरी बहन को छोड़ दिया है, उस बहन के परिवार के प्रति तुम्हारे जैसे मित्र की ममता क्यों है? ये तो हृदय का संबंध है कुसुम। यही तो मैं भी कहती हूँ, ये हृदय का संबंध है। जिस तरह तुम हमारा पक्ष लेते हो, उसी तरह मैं भी सरस्वती चंद्र का पक्ष लेती हूँ। मुझे एहसास हो गया कि तुमसे बातों में नहीं जीता जा सकता। तुम सचमुच मेरे मित्र के योग्य हो। तू कहाँ है सरस्वती चंद्र? चंद्रकांत, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कुमुद सुंदरी तो सीधी सादी है, सरस्वती चंद्र के योग्य तो ये कुसुम ही है। ये उसे चार हाथ आगे चलेगी और उसके टेढ़े और गंभीर स्वभाव को सदा के लिए सीधा कर देगी। लेकिन वो दिन कैसे आ सकता है? कब आएगा वो दिन? क्यों श्रीमान जी, आप किस ओर जा रहे हैं? भाई, मेरी मंजिल तो रत्ननगरी ही है, लेकिन तुम तो भद्रेश्वर जाना चाहते हो ना? जी। अब भद्रेश्वर जाने का कोई विशेष प्रयोजन है क्या? हाँ, है तो विशेष प्रयोजन ही। क्या मैं जान सकता हूँ? आखिर आप क्यों जानना चाहते हैं? इसलिए कि मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ रत्ननगरी तक चले चलो। बदले में मैं तुम्हें पर्याप्त धन दूंगा। मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं आप? मेरे पास थोड़ा बहुत धन और स्वर्णाभूषण है। सुना है मार्ग में छठराई के डाकू घूमते हैं, जो यात्रियों को अवसर पाकर लूट लेते हैं। तुम्हारे साथ रहने से शायद डाकुओं का साहस ना हो। ठीक है भाई, मुझे तो कहीं ना कहीं जाना ही है, रत्ननगरी ही सही। घेर लो, बैलगाड़ी में जो भी यात्री हैं लूट लो। नीचे उतर, नीचे उतर। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। मेरा धन मत लूटो, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। मेरे खून की पोटली धर दे। नहीं, ऐसा ना करो भाई।
मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इधर ला पोटली तू। बर्बाद हो जाऊं। और तू, तू एक और चुपचाप क्यों खड़ा है? जल्दी से गांठ ढीली कर। मुझे गरीब के पास तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। झूठ बोलता है ये। मारो इसे और जो कुछ मिले छीन लो। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। मैं कहता हूँ उसे छोड़ दो। उस असहाय को क्यों मार रहे हो? उसे ना मारो, नहीं तो ईश्वर की मार पड़ेगी तुम लोगों पर। चलो साथियों, चलो यहां से। ये तो पहले से ही कंगाल है, इसे पड़ा रहने दो। और दूसरे को हमने बना दिया, अब यहां हमारा क्या काम? लेकिन लेकिन ये नवीन चंद्र मेरे काम का है, मैं इसे कंधे पर उठा कर ले चलता हूं। अरे तेरा काम कुमुद सुंदरी से ही चल जाएगा, वो तो कल आएगी। इस कंगाल का बोझा ढोने से क्या लाभ? चल। लेकिन भाई लेकिन कुछ नहीं, चलो। अरे ये घुड़सवार, जल्दी करो भाई, ये घुड़सवार स्वर्ण नगरी की जान पड़ते हैं। क्या लगता है इस नवीन चंद्र के पीछे पीछे आ रहे थे। हाँ, जल्दी से सब अपने अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ से भाग निकलो। हाँ, हमें किसी भी हालत में इनके हाथ नहीं आना है। चलो, 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 चलो। पीछा करो, इन डकैतों ने स्वर्ण नगरी के लोगों का जीना हराम कर रखा है, आज हम इन्हें गिरफ्तार करके रहेंगे। चलो। जा रही हूँ माँ जी, मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे नैनों का तारा, तुझे जाता देख मेरी तो जान निकली जा रही है। देख बेटी, तेरे जाने से पीहर में तो सबको सुख मिलेगा, मगर यहाँ यहाँ क्या होगा? माँ जी, तू ना होगी तो ये घर वीरान हो जाएगा बेटी, एकदम वीरान हो जाएगा ये घर। माँ जी, आप लोगों को छोड़कर दूर जाने पर मुझे भी दुख हो रहा है। मैं जल्दी ही लौट आऊंगी, बहुत जल्दी लौटूंगी मैं। जा बेटी, जा, मगर पीहर जाकर इतना ख्याल जरूर रखना बेटी कि एक माँ यहाँ भी तेरा इंतजार कर रही है। माँ जी, जा और पीहर में माँ बाप को सुख पहुंचा बेटी। अलग मेरी प्यारी अलग, पीहर में तुम मुझे बहुत याद आओगी। भाभी, मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी, पर अब कौन मेरे साथ मीठी मीठी बातें करेगा? मत रो मेरी अलग, मैं हमेशा के लिए थोड़ा ही जा रही हूँ। पीहर वालों से मिलकर अपना हाल समाचार कहकर और उनका हाल समाचार लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगी। देखो भाभी, पीहर में 15 दिन से अधिक ना रहना, तुम्हारे बिना यहाँ सब सूना सूना लगेगा भाभी। अलग बाबूजी, बेटी मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटी चल, बेटी रथ पर बैठ जा, मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तेरे साथ है। बाबूजी, आ बेटी, आ, आ, आ। अरे रथ को आगे बढ़ाओ रथवान, मेरी बहू को ध्यान से ले जाना, मार्ग में इसे कोई कष्ट ना हो। आप नाह की चिंता ना करें आमत्य जी, मैं अपनी ओर से पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है, चलो भाई। उठो भाई, कुछ तो बोलो, कितने ही घंटों से तुम यहां मूर्छित पड़े हो। मुझे तुम्हारी रखवाली करनी पड़ रही है कितने ही घंटों से। उठो भाई, अब तो उठो। सिर में
देखकर पीड़ा हो रही है। डाकुओं ने जाने किस वस्तु से सिर पर वार किया था। ईश्वर का शुक्र है, शुक्र है ईश्वर का, तुम्हारी मूर्छा टूटी। मैं तो समझा था तुम्हारे साथ जंगल के जानवर मुझे भी अपना आहार बना लेंगे। ईश्वर का शुक्र है। लगता है मैं बहुत समय तक मूर्छित रहा। हाँ भाई, 5 घंटे से अधिक समय हुआ। अब तो सांझ हो रही है। मैं लगातार तुम्हें होश में लाने का प्रयत्न करता रहा हूं। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अपने ऊपर उपकार करने वाले के साथ इतने लंबे समय तक यात्रा करता रहा मैं, पर मेरा दुर्भाग्य कि मैं आपका नाम तक नहीं जानता। मेरा नाम अर्थदास है। अर्थदास, मैं एक बार फिर तुम्हारा उपकार मानता हूँ भाई। आए रे, ओ मेरी भैया, मायरी, तेरा क्या होगा मायरी? ओ मायरी, तुम रो क्यों रहे हो भाई? तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? मेरी माँ बहुत बीमार है, बहुत बीमार है मेरी माँ। उनकी चिकित्सा कराने के वास्ते ही मैं धन लेकर जा रहा था। ओ मेरी मैया, मेरी मैया, अब तेरा क्या होगा मैया, अब तेरा क्या होगा? क्या तू चिकित्सा कराए बिना ही मर जाएगी मैया? शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, धीरज रखो, मेरा पेट, धीरज रखो, मेरा पेट, अब मैं क्या करूं? संभल कर, तुम बैठ जाओ। अरे ये तो मूर्छित हो गया। कौन जाने ये झूठ बोल रहा है या सच, लेकिन है तो बेचारा दुखियारा ही। डाकू इसका सारा धन लूट कर ले गए। है तो भला पुरुष, इस जंगल में मेरी रखवाली करता रहा। धन का उपयोग ऐसे ही समय में होता है, इसका तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। इसकी औषधि धन है, पर मैं इसे धन कहाँ से दूँ? कैसे मदद करूँ इसकी? हाँ, ध्यान आया, मेरे जनेऊ में ये अंगूठी बंधी है। इस अंगूठी को कुमुद की उंगली में सुशोभित होने के लिए कितने चाव से बनवाया था, किंतु सब व्यर्थ हुआ। अब इसे इस अभागे के सुख का साधन बन जाना चाहिए। लक्ष्मी के अंतिम अवशेष मेरे स्नेह की विभूति, मैं तुझे अपने आंसुओं से कलंकित किए बिना इसकी अंगुली में पहना देता हूँ। मेरा सिर
चकरा रहा है, लगता है रक्त अधिक बह जाने के कारण शरीर कमजोर हो गया है। अरे ये तो फिर से मूर्छित हो गया। बस बस मेरा काम बन गया। 5-7 हजार रुपए से कम की नहीं होगी यह हीरे की अंगूठी। मुझे मुझे क्षमा करना मित्र, अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए मुझे अपनी माँ के बीमार होने का नाटक करना पड़ा। मेरी माँ तो वर्षों पहले मर चुकी है, इससे पहले कि इसकी फिर से मूर्छा टूटे मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। चलता हूँ, मैं चलता हूँ। अभी आप सुन रहे थे गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार गोवर्धन राम त्रिपाठी की प्रसिद्ध पुस्तक सरस्वती चंद्र पर आधारित रेडियो धारावाहिक सरस्वती चंद्र की 9वीं कड़ी। निर्देशिका थी सीमा शारदा, रेडियो रूपांतरकार सुधांशु गुप्ता, ध्वनि मुद्रण जसवंत सिंह। भाग लेने वाले कलाकार थे केदारनाथ, राजेश कंबोज, वीपी कालरा, मनोज भटनागर, दिनेश वर्मा, ललित, लोकेश, नीरज शर्मा, अमिताभ वर्मा, तहसीन, रजनीश कुमार शर्मा, मंजू मैनी, गीता वर्मा, सरिता भाटिया, सादिया, दीपा रॉय और हर्ष बाला।